वंदे मातरम तो गाया जाएगा, ये आपकी कोई मस्जिद नहीं है। आज दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति दीवानगी है। कहां कहां से लोग भारतीय संगीत सीखने समझने आ रहे हैं, कितने मुल्कों में भारत के अनेकों कलाकार रहकर नाम हासिल कर रहे हैं, लेकिन यह जो स्थिति आज है वह सब इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ। इसे हासिल करने के लिए एक संगीतकार ने अपना पूरा जीवन ही इसमें लगा दिया था। उसी कलाकार की जिद, जुनून, लगन और समर्पण की ही कीमत पर आज भारतीय शास्त्रीय संगीत इतने बड़े फलक पर विस्तारित दिखता है। इस महान देशभक्त शास्त्रीय संगीतकार का नाम था विष्णु दिगंबर पलुस्कर। आपने पलुस्कर जी का नाम कम ही सुना होगा, इसलिए आज इनका एक किस्सा सुन लीजिए। यकीन मानिए, इसके बाद आप इनका नाम कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम रितेश पांडे स्वागत करते हैं आप सबका हमारे खोया भारत चैनल पर, जहां पर आपको इतिहास के उन पन्नों के बारे में बताया जाता है जो कि ना तो कभी किसी ने आपको बताया है और ना ही कभी सुनाया है। ये उन दिनों की बात है जब कांग्रेस के अधिवेशन का शुभारंभ वंदे मातरम के गायन से होता था। इसके पहले यह जान ले कि पुलस्कर नेत्रहीन थे और औपचारिक रूप से सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़े थे। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को अंग्रेजी शासन वाले बंबई प्रेसिडेंसी के कुरुंद्वार बेलगांव में हुआ था। पलुस्कर को बचपन में एक भीषण त्रासदी से गुजरना पड़ा। दत्तात्रेय जयंती के दौरान उनकी आंखों के समीप पटाखा फटने के कारण उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। आंखों की रोशनी जाने के बाद अब आगे पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया, तो पिता ने नेत्रहीन बेटे को संगीत की शिक्षा के लिए मिरज में पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के पास भेज दिया। कहावत है कि पुराने जमाने में पढ़ने वाले लड़के अपनी चोटी को रस्सी से बांध लेते थे ताकि उन्हें नींद ना आए। पलुस्कर भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। कहते हैं कि पलुस्कर पूरी पूरी रात चुटिया को रस्सी से बांध तानपुरे पर रियाज करते थे। 12 वर्ष कठोर तप साधना से संगीत शिक्षा क्रम पूर्ण करके सन 1896 में समाज की अवहेलना एवं भारतीय संगीत के उद्धार के लिए यात्रा आरंभ की। उस समय के चलन के हिसाब से रजवाड़ों के पास पहुंचे ताकि उनकी कला को मान और प्रदर्शन करने का मौका मिले। तब संगीत या तो राजे रजवाड़ों की कृपा पर उनके महलों तक सीमित था या फिर दूसरा ठिकाना तबाइफों का कोठा था। लेकिन रजवाड़ों के यहाँ जाने के बाद यहाँ मदद मांगते हुए गुजारा करना उन्हें ज़्यादा समय तक नहीं जमा। फिर उन्होंने उस दौर में सार्वजनिक कार्यक्रम यानी पब्लिक कॉन्सर्ट करने का फैसला किया। पलुस्कर संभवत पहले ऐसे शास्त्रीय गायक हैं जिन्होंने संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए। उस वक्त तक शास्त्रीय संगीत का आम लोगों के बीच कहीं कोई चलन नहीं था। जहां भी जाते एक संगीतकार व कलाकार होने के नाते उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता। सिर्फ पलुस्कर को ही नहीं बल्कि सभी संगीतकारों को ही तब का समाज उपेक्षित नजर से देखता था। कुल मिलाकर तब जिनको रजवाड़ों का संरक्षण या तबाइफों के कोठे पर जगह नहीं मिलता उनका जीवन गुजारना मुश्किल था। इसी दौरान उन्होंने संकल्प लिया कि वे जब तक भारतीय संगीत को और संगीतकारों को आम जनमानस से जोड़ेंगे नहीं तब तक घूमते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने गीतों में बदलाव शुरू किया। जो प्रेम और श्रृंगार के गीत थे उनसे भद्दे शब्द हटाकर भक्ति भाव को जोड़ने लगे। इस बदलाव से लोगों में धीरे धीरे उनके गीत संगीत के प्रति रुचि भी जागी। वे 1901 में लाहौर पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर गंधर्व महाविद्यालय शुरू किया। फिर 1908 में पलुस्कर मुंबई में गंधर्व महाविद्यालय की शाखा शुरू की। हालांकि स्कूल चलाने के लिए उन्हें बाजार से कर्ज लेना पड़ा। कुछ वर्ष बाद आर्थिक कारणों से यह स्कूल नहीं चल पाया, जिसके कारण पलुस्कर की संपत्ति भी जब्त हो गई। इसी बीच वे स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ चुके थे। महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि के साथ उनका संपर्क हो चुका था और वे गांधी के प्रिय भी बन चुके थे। महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम के पहले मौलिक गायक पलुस्कर ही थे, और वंदे मातरम आज जिस मौलिक धुन में बजता है उसे कंपोज करने वाले भी वही थे। सन 1920 की बात है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन छिड़ चुका था। हर ओर अंग्रेजों के बहिष्कार के लिए मुहिम चल रही थी। जनमानस की जागृति हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा था। अब चूंकि गांधी के असहयोग आंदोलन में कई मुस्लिम नेता बढ़ चढ़कर शामिल हुए थे, तो इन सब के लिए राष्ट्रीयता के नाम पर मुस्लिमों के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। नतीजा, इसी सपने को आधार बनाकर सन 1920 में अलीगढ़ में जामिया की स्थापना हुई।
इसके संस्थापकों में एक ऐसा शख्स का नाम शामिल था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सपना हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना था, जिसने 1923 में भरी सभा में खड़े होकर सबके बीच वंदे मातरम का विरोध कर दिया था। बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जौहर की। 1923 का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था और खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जौहर उस समय गांधी जी की कृपा से कांग्रेस का अध्यक्ष था। अधिवेशन में जब महान शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वंदे मातरम गीत प्रारंभ किया तो मोहम्मद अली जौहर ने इसे इस्लाम विरोधी बताकर रोकना चाहा। इस पर पलुस्कर ने कहा, ये कांग्रेस का मंच है, कोई मस्जिद नहीं। और इसके बाद उन्होंने पूरे सुरों के साथ वंदे मातरम गाया। पलुस्कर जी जैसी हिम्मत अगर आजादी के बाद भी दिखाई गई होती तो वंदे मातरम गीत को आज इस तरह से अपमान सहन ना करना पड़ता। इस बात से मौलाना जौहर इतना बेइज्जत हुआ कि मुंह छिपाते हुए मन से उतर गया। उसी का परिणाम है कि आज भी कई कट्टरपंथी वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता देते हैं। जौहर की इस हरकत से पहले कांग्रेस के सभी सत्र और बैठकें वंदे मातरम से प्रारंभ होती थी। देशघाती कई नीतियों और मजहबी झुकाव के कारण कांग्रेस में बाद में उसका विरोध हुआ और अंततः वह फिर मुस्लिम लीग का नेता बना। जौहर ने 1930 में मुस्लिम लीग की ओर से लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश हुकूमत के सामने गुलाम भारत में मरने तक से मना कर दिया था। उसने उस सम्मेलन में बात रखते हुए कहा था कि या तो भारत को आज़ादी दी जाए या फिर लंदन में उसे कब्र के लिए जमीन दी जाए। सन 1911 में कलकत्ता से अंग्रेजी साप्ताहिक कॉमरेड और 1913 में दिल्ली से हमदर्द जैसी पत्रिकाएं निकालकर इस्लामी प्रोपोगेंडा को हवा देने वाला जौहर पर धर्मांतरण का समर्थन करने का इल्जाम लगते रहा है। पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर रामधुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपने समय की तमाम धुनों को स्वर लिपियों को संग्रहित कर आधुनिक पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत के इस महान साधक का निधन 21 अगस्त 1931 को हुआ। आज जो संगीत सीखना डिग्रियों कॉलेजों के माध्यम से इतना आसान और स्वर सुलभ हुआ है और संगीत के स्वर लिपियां लिखने का जो तरीका और चलन है उसमें विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे महान देशभक्त संगीतकार को खोया भारत सत सत नमन करता है। इस इतिहास को जानने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए इतिहास के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।